क्षमा शब्द मुझे प्रिय नहीं है। यदि मुझे प्रतिशोध न लेना होता तो मैं तुम्हें इसी क्षण समाप्त कर देती। अब वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा स्वामिनी, चले लौट चले। नहीं, कदापि नहीं। दैत्य माता दीति जब कुछ ठान लेती है तो उसे करके ही रहती है, करके। चलो। देखो, वही है वो गजमुख। मिलकर समाप्त करना है। अब मूर्खता ना करना, उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध किस प्रकार लेना है वो मैं तुम तीनों को समझा चुकी हूं। समय पर हमें सावधान करके आपने महान कृपा की है देवर्षि, अन्यथा भी मैं सावधान था माता। आपकी दीदी राक्षसनी दीति जो न करे वह कम है क्या? मैंने उसका राक्षसी रूप भली भांति पहचान लिया है। नारायण नारायण, आपके ही कारण तो मैं निश्चिंत था माँ उसका श्री गणेश। परंतु पुत्र, क्या ये उचित है? उचित और अनुचित मैं नहीं जानता माता, परंतु आपकी दीदी ने यदि अब किसी भी प्रकार का षड्यंत्र किया तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। अब मुझे यहाँ से जाना होगा ऋषि कश्यप, क्योंकि यदि मैं कुछ देर यहाँ और रहा तो दैत्य माता दीति की योजना खंडित हो जाएगी, क्योंकि सभागन विरजा का हृदय टूट जाएगा। ये दैत्य माता दीति के कोप की भाजन बने, इससे तो अच्छा है कि मौत का श्री गणेश इसे दंड दें। नारायण नारायण। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। पधारे साध्वी माता जी, मैं गजमुख हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। पधारे। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी अदिति। कल्याणमस्तु। माताश्री पिताश्री, इनका परम पावन साध्वी रूप देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अनेक जन्मों का पुण्य लाभ होने पर ही ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। हमें इनका हृदय से स्वागत करना चाहिए। सुना आपने देवी अदिति, हमारे श्री गणेश चतुर होने के साथ साथ संस्कारी और धार्मिक विचारों के भी हैं। इसका श्रेय आपको है ऋषिवर, आपकी धार्मिक भावनाओं ने श्री गणेश पर अपना संपूर्ण प्रभाव डाला है। आप दोनों कितने भाग्यशाली हैं जो आपको गजमुख जैसे संस्कारी और धार्मिक पुत्र मिले। मैं तो इनको देखते ही इन पर मुग्ध हो गई हूँ। देवी, बालक में तो भगवान निवास करते हैं, आपका इन पर मुग्ध होना स्वाभाविक ही है। मैं तो इसे भगवान भोलेनाथ और श्री महागणेश की कृपा मानती हूँ जो मैं इस आश्रम की ओर चली आई। सच मानिए ऋषिवर, मेरी चरण अनायास ही इस आश्रम की ओर मुड़ गए। इन्हें देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं ये आश्रम छोड़कर और कहीं न जाऊं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके दर्शन पाकर जैसे मेरे जीवन का भटकाव समाप्त हो गया है। आपको देखकर
हम सभी धन्य हुए साध्वी माता जी, यदि आप हमारे इस आश्रम में निवास करेंगी तो हमारा सौभाग्य आकाश से भी ऊंचा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मानकर यही निवास करें और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। गजमुख, आप नहीं जानते मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और विश्राम भी करना चाहती हूँ, परंतु मैं विश्राम तभी करूँगी जब मैं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट मिष्ठान आपको खिलाऊंगी। आप हमारी अतिथि हैं देवी, मैं आपको कष्ट नहीं करने दूंगी। स्वयं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट मिष्ठान आप सबको खिलाऊंगी। मैं अतिथि थी, अब नहीं हूँ। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र गजमुख श्री गणेश ने मुझे भी आपके परिवार में जोड़ लिया है। जब मैं यहाँ निवास करूंगी तो अतिथि बनकर थोड़े ना निवास करूंगी। अब भले ही अतिथि बनकर ना रहें, किंतु इस समय आप दूर यात्रा से आ रही हैं, तनिक विश्राम कर लें। मैं मिष्ठान के साथ आपके लिए भोजन भी बनाती हूँ। नहीं देवी नहीं, इतने प्रिय बालक के लिए मिष्ठान बनाने से मेरी यात्रा की थकान स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। आप मुझे ना रोकिए देवी। ऋषिवर, जिनके परम पावन दर्शन पाकर हमारा सौभाग्य जाग उठा है, उन्हें कष्ट देकर क्या हम पाप के भागी नहीं होंगे? मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ देवी, परंतु मुझे आप इस पुण्य लाभ से न रोकिए। आपको आपके प्रिय गजमुख श्री गणेश की सौगंध। सौगंध? इतनी छोटी सी बात के लिए सौगंध की क्या आवश्यकता है? आप मेरी भावना समझ नहीं पा रही देवी, अथवा मैं अपनी भावना आपको नहीं समझा पा रही। जिनके दर्शन पाकर मेरे जीवन के भटकाव का अंत हुआ, उन्हें अपने हाथों से बनाकर मिष्ठान खिलाए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। आप कुछ कहते क्यों नहीं श्री गणेश? मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो आप दोनों माताएं एक समान हैं और मैं अपनी माताओं के मध्य नहीं आना चाहता। देवी अदिति, मैं भी तुम दोनों के मध्य नहीं आना चाहता, परंतु तुम्हें इन साध्वी देवी की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जैसी आप सबकी इच्छा। देवी, वह इस आश्रम की रसोई है, आप वहां जाकर श्री गणेश के लिए मिष्ठान बनाएं। माँ की ममता और भावनाओं को स्वयं भगवान के लिए भी समझना कठिन है। यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए देवी। तुम्हारे पुत्र को ऐसा मिष्ठान खिलाऊंगी कि उसका स्वाद बताने के लिए भी वो जीवित नहीं रहेगा। गिरजा के शरीर में निवास करने वाले पातालवासी राक्षसी नागों, इस स्वर्ण पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। बाहर निकलो पातालवासी नागो, बाहर निकलो राक्षसी नागो। Ha ha ha!
सरलता से मेरे शरीर में समा जाओ। ऋषिवर, प्रिय श्री गणेश कहाँ चले गए? देवी, बालकों के स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं होंगी। किसी मृग शावक को देखकर श्री गणेश उसके पीछे भाग रहे होंगे। वैसे भी इस वन में उनका कोई साथी तो है नहीं। आप उन्हें पुकारे ऋषिवर, अन्यथा इस स्वादिष्ट खीर का स्वाद व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करें देवी, आज पहली बार देख रही हूँ कि किसी साध्वी के हाथों में स्वर्ण का पात्र सुशोभित हो रहा है। साधना का तो प्रारंभ ही वस्तु के त्याग से होता है। देवी अदिति, ये स्वर्ण पात्र भी मेरी साधना का सुपरिणाम है। मेरी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे अपनी इच्छा अनुसार वस्तु प्रकट करने का वरदान दिया है। परंतु श्री गणेश तो मुनि कुमार हैं, जिन्हें देखने मात्र से मेरे भटकते जीवन को शांति मिली हो, वे तो मेरे आराध्य ही हुए ना। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित करना ही हमारी परंपरा है। आओ आओ पुत्र मोहतकट श्री गणेश, आओ। देखो, देवी साध्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कहाँ चले गए थे श्री गणेश? देखिए, मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।